मैं अंकित सिंह राठौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के उन्तू गांव के पास, और उन्तू गांव के पास इस पीपल के पेड़ के नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और इस पेड़ के नीचे इन लोगों ने राजनीतिक बातें छेड़ रखी है। तो आइए हम लोग जानते हैं इन लोगों के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के में क्या चल रही है, लोगों को लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी या आरजेडी के बारे में क्या राय है। तो आइए चलते हैं। बीजेपी या कोई और, बीजेपी के हम लोग ही वोट डाल रहे हैं। बीजेपी, आपका क्या नाम हुआ भैया? संजीत कुमार गुप्ता। संजीत जी, ये बताइए इस बार कौन, बीजेपी या आरजेडी औरंगाबाद से? मोदी जी, सीधे मोदी जी। मोदी जी के भक्त हैं। ओ माता व भगवा गमछा जी, मैं समाज का आदमी। अच्छा, तो आप मोदी जी की वोट क्यों दीजिएगा? देते आ रहे शुरू से, आ रहे दिखा रहे तो काम उनका पसंद आ रही है। तो मतलब इस बार सुशील सिंह को जितवाना है, जितवा देना है। अब है कुछ आवाज क्यों देगी? अब है तो तो मतलब दूर के चलते आप? अच्छा, तो मतलब इस क्षेत्र में आपको लगता है कि मतलब विकास हुआ है? बिल्कुल, बहुत विकास हुआ है। हुआ है, मतलब नरेंद्र मोदी जी इस बार जीत रहे हैं? पूरा कंफर्म, पूरा 400 पार हो रहा है। 400 पार, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस। आइए तमाम लोग यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उन लोगों को लोकसभा चुनाव के लेकर क्या कहना है, और हम यहाँ पर जानने के प्रयास करेंगे कि मतलब उनको क्या विचार है इसके बारे में। भैया आपका क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार यादव। इस बार बीजेपी या आरजेडी? आरजेडी ही क्यों? आरजेडी अभी नई पीढ़ी से मतलब निकल है, काम बहुत बढ़िया कर रहा है, तो युवा के लेकिन के लिए। अच्छा, चाहे बूढ़े बुजुर्ग मतलब जो भी काम कर रहा है बहुत बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए से काम कर रहा है। लेकिन अभी तो यहाँ पर केंद्र में मोदी जी हैं, ऊपर से बीजेपी का यहाँ पर अभी फिलहाल 3 साल से हैं सांसद, तो मतलब आप तो इतना 15 साल से तीन बार मतलब तीन टाइम 15 साल से हैं, तो 15 साल में इस क्षेत्र में 15 को मतलब काम गिना लूँ कि हाँ कौन सा ऐसा बढ़िया काम किए हैं। तो हमारे पास भी बहुत लोग चचा लोग थे, ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पर काम हुआ है। तो काम गिनावे नहीं, बतावे लोग है ना। तो आप ही तो बता, आपका जो पार्टी है आरजेडी, इस वक्त ऊपर अभय कुशवाहा खड़ा हुए हैं, ठीक ना? बोल रहे हैं तमाम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि दूर है, दराज है, तो दराज के चलते कुछ काम होगा नहीं। दूर से मतलब नहीं है, देखिए अगर अभय कुशवाहा यहाँ के रहते हैं तो जो उधर के लोग हैं उधर सोचते कि हम लोग के लिए दूर पड़ते हैं जी ना। तो जैसे सुशील सिंह है, तो सुशील सिंह नज़दीकी हैं जी, तो उधर लोग तो सोच रहे होंगे, जैसे लास्ट जो छोड़ते हैं उन लोग तो सोच रहे होंगे कि हम लोग की भी दूरी पड़ रहा है जी। तो इसलिए दूरी एक जगह के नहीं नेता रहता, नेता दूरी अतीत नहीं है, काम के भी अति देखा जाता है कि काम उनको कौन करेगा। तो आप लालू जी देख रहे हैं कि सीधे मतलब लालू जी का चेहरा देख रहे हैं आरजेडी में? लालू आरजेडी में लालू जी का चेहरा, लालू यादव तेजस्वी यादव, तो दोनों ये कर रहे हैं, लालू का रास्ता अपने चल रहे हैं। अच्छा, लालू का रास्ता पर चल रहे कर दिए, तब पर भी बार बार 3 साल 3 बार क्यों चुना लोग? जब वो कार्य किए नहीं, जब उनका कार्यकलाप सही नहीं रहा, तब 3-3 बार क्यों रहे? आखिर जनता उनको कार्यकलाप के अनुसार ही ने चुना, तब मेरे 3-3 बार वो एमपी रह चुके जी। आज नरेंद्र मोदी किसान के हित में बहुत से काम किए, किसानों ने उनको एक तरह किसान को हर एक साल में 6-6 हज़ार रुपया किसान निधि से पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी के चलते सुशील सिंह के वोट बीजेपी में डालेंगे। देखिए ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ही जीतना चाहिए, तो आप सेंट्रल में किसको देखना चाहते हैं, सेंट्रल में बताइए। पहले तो यहाँ से सीट आएगा इंडिया के, तब तो केंद्र में देखा जाएगा। मतलब आप सेंट्रल में भी नहीं देखना चाहते हैं? सेंट्रल में भी नहीं देखना चाहते हैं ना, क्योंकि किसान के बात कर रहे हैं ना, ये किसान के बहुत मतलब आय दोगुना चाहे तो बहुत लाभ दिए हैं किसान के, लगता है कि करीब करीब 2-3 हज़ार के तो जान मरवा दिया है, अपने से भी मरवा दिया, प्लस में धरना देते देते अपने से मर गया चला अपने मतलब नया के लड़ने के लिए। इसलिए केंद्र में भी नहीं चाहते, देखते हैं देखना चाहते हैं, और बिहार में भी नहीं देखना चाहते हैं। बात रह गया कि कह रहे हैं कि जनता बार बार चुन रहा है, तीन बार तो है, तो चौथा बार भी देख लिया जाएगा कितना जनता चाह रहा है। इस बार सफाया हो जाएगा, सफाया ही सब हो जाएगा, तब टिकट कट जाएगी एकदम, टिकट कटना तय है,
अगर चोर बाजारी नहीं हुआ तो टिकट कटना तय है, एकाध 2 लाख वोट तो जीतेंगे अभिजात है कुशवाहा। मतलब इतना मार्जिन रहेगा? एकदम मार्जिन रहेगा, तय है एकदम। ऐसा बोल रहे हैं, मतलब आपका लगता है कि इसमें जी जाएंगे? कन्फर्म? मतलब आपको नया नेता है उन पर ट्रस्ट है? चोर बाजारी नहीं होगा तो कंफर्म है कि जी जाएंगे। चोर बाजारी नहीं होगा तो जी जाएंगे, मतलब आपको लगता है? लगता है कि चोर बाजारी होता है कि लाइट के तार नहीं मुस काटता है और कैमरा वाला के तार कट जाता है। अच्छा, हाँ, इसीलिए चोर बाजारी भी होता है। और बहुत सारे ईवीएम धराता भी है, देखते हैं कहीं के बोलेरो से रात में ले जाए धराता है, गाड़ी से ले जाए, मैंने बहुत सारा अथी धराता है। लेकिन इसीलिए शक है कि मतलब चोर बाजारी से सरकार बनेगा, उन तीनों असलियत में नहीं बनेगा। असलियत में नहीं बनेगा, युवा को देख रहे हैं ना, अभी नंबर अधिक तक है तो मतलब ऐसा कोई काम करेगा कि ताकि इसको लंबा अधिक करना है ना, वो समझ गया। और ये लोग हैं कि एकदम अब खटिया बजाने वाले हैं, ताकि खटिया पर ना जाने लगते हैं, तब पर भी काम नहीं किया और तो लास्ट धीरे धीरे करते जा रहे हैं, तो अब क्या काम करेंगे इन लोग? इलाक को बताइए कि इसमें व्यवस्था की कमी नहीं है, ना सामुदायिक भवन बना और ना कुछ घाट उट बना है, छठ घाट होता है जरूरी था, न कल की व्यवस्था है, कल बिगड़ा हुआ है। देखिए ना, मतलब पानी पीने में छछनता है, वो घर है ना, घर के बाहरी नल निकाल रहे, नल पे पानी पीते ना तो पानी पीने में छछनता है यहाँ पे। आज तक लग किसी भी नेता कोई भी जाति के नहीं अपनी कल दिया, ना किसी के बारे में सोचता है विकास के बारे में, अलग से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई है दिया है तो बतावे आगे कहाँ चला है। कि मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे? हाँ, कल तो 2-3 रोज हुआ है, मगर वो काम बतावे ना कहाँ क्या कर दिए, वहाँ पर 10-20 आदमी था ना, मगर कुछ भी काम कर भी नहीं किया तो बताए क्या? और तो यहाँ पर आए और डेरे बस निकल गए, कुछ किसी से बातों नहीं किए ढंग से कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या दिए हैं ना दिए हैं, अब अभी किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? मतलब इस बार चित्तौड़गढ़ का किला टूटेगा? चित्तौड़गढ़ हम कहा लगेंगे, चित्तौड़गढ़ का हम लोग को जो काम है करेंगे, चित्तौड़गढ़ कहा तोड़ेंगे हम, समझ गए, जो काम है से हम लोग करेंगे। कहा आपको लगा सुशील सिंह 15 साल रहे औरंगाबाद के सांसद, अभी तक कोई विकास के काम नहीं किया, कोई नहीं काम कुछ नहीं किया, आते हैं चुपचाप गाड़ी के सीधा चढ़ा कर सूर्य एकदम जाते हैं और बनाते हैं, 8 मिनट के आते हैं 8 मिनट के जाते हैं, और नहीं तो 22 फरवरी के नहीं है। अभी से आती है भाई, सुशील सिंह थोड़ी औरंगाबाद के खानदानी, ये तो कम से आके आए हैं, अरे बड़का गांव के बक्सर के, ठीक है, लेकिन आपको आपको लगता है कि काम करेंगे? बिल्कुल काम करेगा, काम करेंगे भाई, कुछ बिल्कुल काम करेगा। तो आपको देश को आपको जानकर यहाँ पर लगेगी कि यहाँ पर हर तरह की पार्टी है, कोई बीजेपी के बारे में बोल रहा है, कोई आरजेडी के बारे में बोल रहा है, तो आप लोग कमेंट में सेक्शन में बताइएगा कि आपको किसका मत सही लगा, किसका गलत लगा। और तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहिए मीडिया दर्शन।